कानपुर में एक कोठी बन रही थी, मगर कोठी बनते बनते घर की मालकिन और राज मिस्त्री में अचानक प्यार हो जाता है। हालांकि मालकिन के पहले से ही दो बच्चे थे। फिर एक रोज अचानक उस मालकिन के पति की सड़क हादसे में मौत हो जाती है। पुलिस समेत पूरा परिवार यही मान बैठता है कि मौत सड़क हादसे में ही हुई है, लेकिन फिर एक रोज अचानक एक कैमरा अपना मुंह खोलता है। कानपुर के रहने वाले सरकारी टीचर राजेश गौतम 4 नवंबर की सुबह 5:30 बजे अपने घर से टहलने के लिए निकले। अभी वो स्वर्ण जयंती पार्क के पास पहुंचे ही थे कि एक तेज रफ्तार फोर्ड इको कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भयानक था कि राजेश को टक्कर मारने के बाद कार सामने लगे एक खंभे से टकरा गई, लेकिन हादसे के बाद फोर्ड में सवार लोग मौके से फरार हो चुके थे। उधर अस्पताल ले जाने पर राजेश को डॉक्टरों ने मुर्दा करार दिया। शुरू में सभी को ये मामला एक्सीडेंट का लगा, यहाँ तक कि पुलिस को भी। लेकिन जब पुलिस ने राजेश के घर वालों से बात की तो घर वालों ने राजेश की हत्या किए जाने का शक जताया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि राजेश ने पिछले कुछ दिनों से अपना पीछा। और उसके एक साथी राजेश कठेरिया का मोबाइल फोन एक्टिव था, यानी अब पिंकी के साथ साथ शैलेंद्र, विकास और सुमित चारों शक के दायरे में आ चुके थे। पिंकी की कॉल डिटेल से यह भी साफ हो गया कि कत्ल वाले रोज भी उसकी शैलेंद्र से बात हुई थी। इसके बाद पुलिस ने एक एक कर पिंकी, शैलेंद्र और विकास को गिरफ्तार कर लिया, और जब उनसे पूछताछ की तो कत्ल की एक ऐसी भयानक कहानी सामने आई कि लोग चौंक गए। टीचर राजेश गौतम टीचिंग के साथ साथ प्रॉपर्टी का भी काम करता था। उसके पास गांव में 45 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी तो थी ही, खुद उसका 3 करोड़ रुपए का बीमा भी था। लेकिन इतना होने के बावजूद राजेश की पत्नी पिंकी शैलेंद्र नाम के एक राजमिस्त्री से प्यार करती थी। राजेश को भी अपनी पत्नी के इस गुप्त प्रेम की खबर थी, जिसके बाद उसने शैलेंद्र के घर आने पर पाबंदी लगा दी थी, और तब पिंकी ने अपने प्रेमी शैलेंद्र के साथ मिलकर राजेश के कत्ल की साजिश रची। वो राजेश की मौत को एक्सीडेंट दिखाकर उसकी दौलत और बीमा की रकम हड़प जाना चाहती थी और अपने प्रेमी के साथ बाकी की जिंदगी चैन से गुजारना चाहती थी। साजिशन पिंकी ने अपने प्रेमी शैलेंद्र के जरिए 4 लाख रुपए की सुपारी भी दी, लेकिन कत्ल के बाद घर वालों के शक जताने और तफ्तीश में सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल फोन की कॉल डिटेल से सभी पकड़े गए। वैसे पिंकी ने इससे पहले भी एक बार जहर देकर अपने पति राजेश की हत्या की कोशिश की थी, लेकिन तब इलाज के बाद राजेश की जिंदगी बच गई। लेकिन इस बार गाड़ी की टक्कर इतनी जोरदार थी कि राजेश बच न सका। रंजय सिंह, कानपुर, आज तक।